नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे, प्रदेश में कई ऐसी नदियां हैं जो कि खतरे के निशान से बाहर बह रही है, लेकिन दूसरा एक ये भी कारण है कि प्रदेश में ज़्यादातर हिस्सों में जो है बारिश के हालात नहीं हैं, उसके बावजूद भी क्यों ये नदियां जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और स्थिति ये है कि कई रिहायशी इलाके जो गाँव वाले इलाके हैं वहाँ पर घरों में जो है पानी घुसने की स्थिति में हो गई है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार की नदियों में उफान है, जिसके चलते प्रदेश में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। कोसी, गंडक व बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर है, तो वहीं पटना में गंगा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग हाई अलर्ट पे है। कोसी नदी में जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ने के कारण सुपौल के बीरपुर बराज से 35 से 36 फाटक खोल दिए गए हैं। बराज ने 2,29,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। इधर पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज में गंडक नदी में 3,00,000 क्यूसेक पानी से भी अधिक जो है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है। बता दें कि इन बराजों में पानी नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से आ रही है। गंडक नदी में पानी के भारी दबाव से वाल्मीकि नगर बराज पर मनराधे खतरे को देखते हुए इसके सभी 36 फाटक खोल दिए गए। वाल्मीकि नगर बराज के लगातार 3,00,000 क्यूसेक से अधिक का पानी डिस्चार्ज हो रहा है। देर रात यह 3.17 लाख क्यूसेक हो गया है। इसमें गोपालगंज में बाढ़ का खतरा जो है अब मंडराने लगा। सदर व मांझा प्रखंडों के कई गांव डूब गए। दोनों प्रखंडों के कई गांव का संपर्क जो है मुख्यालय से टूट गया। पतराहा, छरही, मसान थाना, छरकी व ग्रामीण तटबंध पर जो है नदी का भारी दबाव बना हुआ है। सुपौल के बीरपुर स्थित कोसी बराज पर भी पानी का भारी दबाव देखा गया, जिसके बाद से बीरपुर के कोसी बराज में से 56 में से 35 फाटक जो है वो खोल दिए गए हैं। बराज के 2.29 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे कि कोसी तटबंध के अंदर गांव लगातार डूबते जा रहे हैं। तटबंध पर पानी का भारी दबाव है। सुपौल व सहरसा के निचले इलाकों में घरों में अब जो है बाढ़ का पानी घुसने लगा है। सीमांचल क्षेत्र में महानंदा नदी पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई स्थानों पर यह खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है। कटिहार व आजमनगर प्रखंड के आधा दर्जन गाँव में महानंदा नदी का पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोग खौफ में जी रहे हैं और उनका जो है जीवन इन दिनों संकट से गुजर रहा है। कनकई और परमान नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखी गई। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी खतरे के निशान से महज 31 सेंटीमीटर नीचे है। पटना के गांधी घाट में भी गंगा का पानी खतरे के निशान के आसपास पहुँच गया है। सोन और पुनपुन नदियाँ भी उफान पर है। गंगडक नदी के हर घंटे 2 सेंटीमीटर और कोसी नदी में हर घंटे कई सेंटीमीटर में जो है पानी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन नदियों में भारी मात्रा में बारिश का पानी आने के बाद से कोसी, बीरपुर बराज और गंडक के वाल्मीकि नगर बराज से सटे गेट खोल दिए गए हैं। इसके निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति अब उत्पन्न हो गई है। गंडक नदी गोपालगंज में खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं कोसी नदी सुपौल में खतरे के निशान से 1.43 मीटर और खगड़िया में 51 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पार कर जाने के बाद एक तरह कर लें कि इन इलाकों में जो है बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इन सब को देखते हुए बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने मुख्यालय से लेकर फीडर अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से प्रदेश में छिटपुट या फिर कहीं कह लें कि मूसलाधार बारिश देखने को मिली, लेकिन ये जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है वो प्रदेश में हुई बारिश की वजह से नहीं, नेपाल में हो रही बारिश और उसके बाद जिस तरह से पश्चिम चंपारण और सुपौल के बराजों में पानी का दबाव बढ़ा और उसके बाद से जब वहाँ से पानी डिस्चार्ज किया गया, तब जो है ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।